बांग्लादेश के एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल पांच खिलाड़ियों ने अपना परचम T20 वर्ल्ड कप 2024 में लहराया, बांग्लादेश को ऐतिहासिक तरीके से सुपर एट में पहुंचाया। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है आज की, आपको पता है कि बांग्लादेश सुपर एट में जगह बना चुका है, वो आठवीं टीम बन चुके हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी सुपर टीम एट की बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, आठों टीमों का निर्णय हो चुका है कि सुपर टीम एट में कौन कौन भाग लेने वाला है। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान दो ऐसी टीमें रही जिन्होंने सबको हैरत में डालते हुए भैया सुपर एट में एंट्री ले ली है, वो भी धमाकेदार तरीके से, जानदार तरीके से, शानदार तरीके से वहां पर उन्होंने प्रवेश पाया है। कोई भी ये सोच कर नहीं चल रहा था, इवन आईसीसी ने भी श्रीलंका को भैया वहां पर रैंकिंग देकर रखी थी कि ये दूसरी टीम होगी, लेकिन बांग्लादेश ने सबको सरप्राइज करते हुए T20 फॉर्मेट में, स्पेशली सुपर एट में ऐतिहासिक तरीके से जगह बना लिया। पांच सुपर हीरो खिलाड़ी रहे बांग्लादेश टीम के, जिन्होंने अप्रत्याशित तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन अपना काबिलियत पहचानते हुए T20 क्रिकेट में प्रदर्शन दिया है, जिसके कारण से बांग्लादेश सुपर एट में पहुंचती हुई दिख रही थी। ग्रुप डी ग्रुप ऑफ डेथ था, ग्रुप डी में नेदरलैंड थी, नेपाल था, उसके अलावा बात करें तो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, खुद बांग्लादेश भी थी। और इस ग्रुप में अगर आपने जगह बनाया है सुपर एट में, यानी कि काबिले तारीफ रहा है आपका प्रदर्शन। 6 पॉइंट अर्जित बांग्लादेश ने किया है, उसमें भी साउथ अफ्रीका को भी लगभग हरा चुके थे, वो तो थोड़ा सा स्लाइड कर गए लास्ट मोमेंट में, अन्यथा वो भी मुकाबला जीतकर ये 8 पॉइंट हासिल कर लेते इस ग्रुप मुकाबले में। यानी कि T20 फॉर्मेट में जहां हम लोग बांग्लादेश को कम आंकते रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में इन्होंने दिखाया है कि अभी एक वेल बैलेंस्ड टीम है, खासकर वेस्ट इंडीज और यूएसए के पिचों पे ये टीम कुछ बड़ा करने आई है। और सुपर एट में इनके जितने भी मुकाबले होने वाले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे भारत से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पांच सुपरस्टार खिलाड़ी इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना परचम लहराते हुए दिख रहे हैं। उन्हीं पांच के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में बात करने वाले हैं, ये देखने, ये सोचने, ये समझने वाले हैं कि बांग्लादेश टीम में इन खिलाड़ियों का क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे इन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पे इतिहास रचते हुए बांग्लादेश को सुपर एट में पहुंचा दिया है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में। ये ODI वर्ल्ड कप रहता तो उतना आश्चर्य वाली बात नहीं रहती, लेकिन T20 फॉर्मेट है जहां हम लोग बांग्लादेश को कम आंकते हैं, उस फॉर्मेट में बांग्लादेश ने अपना झंडा गाड़ा है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। अगर हम बात करें सबसे पहले खिलाड़ी की, तो भी धृद्वाय, ये जो अभी आपने मुकाबले जितने भी देखे हैं, एक दो मुकाबले छोड़ दें तो सब मुकाबलों में आपने गेंदबाजों का वर्चस्व देखा होगा कि इस गेंदबाज ने 3 विकेट निकाले, इस गेंदबाज ने 4 विकेट। बल्लेबाज तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ देखता रहता है कि गेंद कब आ रही है, कब उसके ऊपर से निकल जा रही है, कब गेंद नीचे रह जा रही है। बहुत बल्लेबाजों के लिए कठिन रहा है स्थितियां, परिस्थितियां, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे हम वेस्ट इंडीज की पिचों की बात करें, वहां पर तौहीद हृदय जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, वो भी खासकर जब सबसे बड़ी टीम जो इनकी आर्क राइवल टीम है, चीर प्रतिद्वंदी टीम है, श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश कठिन स्थिति में होता है, उसके बावजूद वहां पर 40 रन तौहीद हृदय बनाते हैं, लिटन दास के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी करते हैं, हसरंगा को 3 गेंदों पर 3 छक्का मारते हैं और मुकाबले को बांग्लादेश की झोली में डालकर चले जाते हैं। दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 37 जब तक ये टिके थे, एकदम एकतरफा सा लग रहा था मुकाबला, ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका को भी इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश हरा देगी। हालांकि जब ये आउट हुए उसके बाद बांग्लादेश थोड़ा सा स्लिप कर गई, नेदरलैंड और नेपाल के खिलाफ उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाए, लेकिन ये दो मुकाबले ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी में टैलेंट खास है, अब इन्होंने अपने पावर हिटिंग में भी इम्प्रूवमेंट कर लिया है। ये दूसरे खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर रहमान, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी सुपर एट में इनका प्रदर्शन देखोगे, जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे, वहां पर ये छाप छोड़ने वाले हैं, अभी तक भी छाप छोड़ा है। श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट मात्र 17 रन, आप देख सकते हैं कितने रन मात्र खर्च किए हैं मुस्तफिजुर रहमान ने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 18 रन 4 ओवरों में, नेदरलैंड के खिलाफ मात्र 12 रन और नेपाल के खिलाफ तो आज इन्होंने हद कर दिया, 19वां ओवर मेडन फेंक डाला, 3 विकेट 7 रन मात्र खर्च किए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है इनके द्वारा, और ये वेस्ट इंडीज के जो पिचे हैं इनके गेंदबाजी स्किल के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है, यहां पर ये अभी भी अपना
झंडा गाड़ने वाले हैं, अपना काबिलियत दिखाने वाले हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हैरत में डालेंगे मुस्तफिजुर रहमान अपने प्रदर्शन के दम पे। इनके कटर्स यहां पर कारगर साबित होंगे। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो वो शाकिबुल हसन है भैया, इनके सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे दिग्गज खिलाड़ी, लेकिन वर्ल्ड कप 2024 से पहले इनका बल्ला बिल्कुल ही शांत था। गेंद में तो थोड़ा धार दिख भी रहा था लेकिन बल्ले में वो बात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में शाकिबुल हसन ने नीदरलैंड के खिलाफ जो उपयोगी पारी खेली है उसने बांग्लादेश को सुपर एट में पहुंचाने का बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अगर वहां पे हार जाते तो फिर नेपाल के मुकाबले में बहुत ज्यादा दबाव रहता और उसके बाद फिर इनको श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड के मुकाबले के ऊपर निर्भर होना पड़ता। हालांकि वहां नीदरलैंड हार चुकी है जिस कारण से तब भी ये पहुंचते अगर नेपाल को हरा देते, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ बहुत उपयोगी पारी 64 रनों की नाबाद शाकिबुल हसन ने खेली। ये शाकिबुल हसन के लिए बहुत बड़ी पारी थी, अच्छी पारी थी, कॉन्फिडेंस बूस्टर की पारी थी, वहीं बांग्लादेश के लिए मोमेंटम पकड़ने के लिए अच्छा खासा योगदान इन्होंने दिया था। वहीं अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो रिशाद हुसैन कह सकते हैं आप कि ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए एक खोज रहे हैं। जिस तरीके का इनका प्रदर्शन आया है वो काबिले तारीफ है। अभी तक हम बांग्लादेश के खेमे में बहुत ऑफ स्पिनर देखते थे, ऐसे स्पिनर्स देखते थे जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर। जल्दी बांग्लादेश के खेमे में आप पाएंगे नहीं, बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन बहुत अद्भुत खोज है भैया। ये ज्यादा गेंद बहुत शॉर्ट नहीं पटकते हैं, आपने बहुत सारे लेग स्पिनर्स को देखा होगा कि अपना लेंथ पकड़ने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन रिशाद हुसैन एक ऐसे स्पिनर हैं जो टप्पा पकड़ कर रखते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात यह है कि अपने टप्पे से भटकते नहीं है, बहुत ज्यादा जगह भैया छितराते नहीं है गेंदों को, स्पॉट ऑन इनका टप्पा रहता है और वहीं पर बल्लेबाजों को फंसाते हुए नजर आते हैं। अगर इनका प्रदर्शन आप देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ तो 3/22 बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, और श्रीलंका के खिलाफ जीत मिली थी तो इनके खास प्रदर्शन के कारण। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1/32, फिर नीदरलैंड के खिलाफ देखिए 3/33। नीदरलैंड के खिलाफ नीदरलैंड का पकड़ मजबूत होता जा रहा था, लेकिन वहां पर इनका जो स्पेल रहता है वो बांग्लादेश को वापसी कराता हुआ दिखता है। फिर नेपाल के खिलाफ 3 ओवर में 15 रन खर्च करके एक भी विकेट नहीं लिया इन्होंने, तो जबरदस्त इन्होंने गेंदबाजी की है। अब आगे देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी गेंदबाजी कैसी रहती है, अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी रहती है, भारत के खिलाफ कैसी रहती है, वहां पर पता चलेगा कि रियल प्रेशर में कैसी गेंदबाजी करते हैं। अभी तक तो खास टैलेंट दिखे हैं। वहीं अगर हम पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो तंजीम हसन साकिब, ये खास इस वजह से हैं क्योंकि अभी इनका पहला वर्ल्ड कप है। उससे भी बड़ी बात, खास बात कि ये सबसे पहले प्लेइंग 11 मुख्य प्लेइंग 11 में नहीं थे बांग्लादेश के, फिर शरीफुल इस्लाम चोटिल होते हैं इनको जगह मिलती है और पहले ही मुकाबले से ये छाप छोड़ना शुरू करते हैं। पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 1/24, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3/18। आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी और मजबूत टीम के खिलाफ 3 विकेट निकाला, फिर उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ 1/23। आज तो नेपाल के खिलाफ जीत में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए, 4 रन मात्र 7 विकेट, जिसमें 2 मेडन वो भी पावर प्ले के ओवरों में। तो तंजीम हसन साकिब भी जिस तरीके से भैया ये जो स्पिनर हैं, सॉरी इनका नाम रिशाद हुसैन, खोज रहे हैं बांग्लादेश के लिए, वैसे ही तंजीम हसन साकिब ने भी इंप्रेस किया है। शरीफुल इस्लाम की कमी बांग्लादेश टीम को खलने नहीं दी है। तो इन 5 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जबरदस्त छाप छोड़ा हुआ है, सुपर 8 में बांग्लादेश को पहुंचाया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इन 5ों का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने में सक्षम रह जाते हैं, बांग्लादेश भारत को हराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ इन पिचों पर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के लिए ये 5ों खिलाड़ी अगर मिलकर प्रदर्शन कर गए तो हरा सकते हैं, इनमें काबिलियत जरूर है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।